गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत पतराहा मिश्रा में बालू ठेके के ऑफिस पर बुधवार को दिन में लगभग 11 बजे बगल के गांव रापतपुर निवासी बमन मिश्रा पुत्र अरविंद मिश्रा व देवांश मिश्रा पुत्र गुड्डू मिश्रा पहुंचे और 2 लाख की रंगदानी की मांग करने लगे। मुनीब द्वारा विरोध करने पर असलहे से फायर कर ऑफिस के अंदर काउंटर में रखा हुआ 1,06,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। आपको बता दें कि पथरा मिश्र का बालू खनन का टेका शिलाचंद्र पत्नी तेज नारायण चंद्र निवासी चिलुआ थाना गोला के नाम से है, जिसका संचालन बेलघाट थाना क्षेत्र के मढ़हा निवासी पंकज शाही द्वारा किया जाता है। बुधवार को ठेके के ऑफिस पर इसी थाना क्षेत्र के सोपाई घाट निवासी पीयूष सिंह पुत्र अखिलेश सिंह जो मुनीब हैं वसूली कर रहे थे। आरोप है कि दिन में 11 बजे पवन और देवांश दोनों मोटरसाइकिल से आए और बालू का ठेका बंद करने की धमकी देते हुए 2 लाख रंगदानी की मांग करने लगे। मुनीब द्वारा विरोध करने पर एक ने फायर कर दिया और दोनों कैश काउंटर से 1,60,000 रुपये लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष बेलघाट सुरेश चंद्र राव सीओ गोला सतीश चंद्र शुक्ला मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जांच में जुटे। इस मामले में बालू ठेका देख रहे अमरेंद्र प्रताप शाही की तहरीर पर बेलघाट पुलिस ने पवन मिश्रा एवं देवांश मिश्रा के खिलाफ धारा 307 392 एवं 506 में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा क्या पर ये हमारी पिगो कौन लाल भैया ये भाई पवन जी का भाई हम लेते हैं कहीं महतारी छोड़ लो ये ना क्यों भाई ना हेलो भाई तो नहीं सब को आधा पास के कहां लाला कहां अंदर उठो नहीं कहां लग गया कहां ये ही है कहां थे देखा मैं कहीं काम ऐसा वैसा रहा था हम ऐसा रहा था तो छेड़ा ना आज रात ही ये लोग जाते हैं इधर लोग हमारे गांव में हम पता करते हैं और जो नाय वो भाई है ये गतिया का वो इधर लड़का का ये लोग फायरिंग कर रहे हैं गांव में जाके अपने हम ला लारी भी नहीं पता चला ये गोली लोग चलाउना है के रहल त हम ला लारी भी नहीं पूछनी हम कर ये बताओ ये गोली चलाउले है सवेरे यूज सिंह नाम है। क्या हुआ आपके साथ घटना क्या हुई है? जी सर 2 लोग आए थे बाइक से तो गेट से रंगबाजी मांग रहे थे, बोले थे 2 लाख हमको पर डे का चाहिए। उसके बाद से हम वाद विवाद हुआ, हम बोले कि हम कहाँ से दे सकते हैं 2 लाख रुपया। उसके बाद से वो लोग गोली चला लिए सर, हमारा बचाव हो गया, हम निकल गए। उसके बाद से अंदर आके घंटा सटा के हमारे ऊपर जितना पैसा था काउंटर में हमारी जेब में सब लेके सर गोली बाहर फायरिंग किए फिर चले गए। कितना रुपया गया? जी सर 1 लाख से भी होगा, ऊपर होगा प्लस होगा। पूरा परिवार में वही रहता है, पता करो नवासा है सब जो हाँ डायल 100 पर अभी कोई सूचना आई थी कि बेलघाट थाना क्षेत्र में जो है किसी के कोई फायर हुआ है, वहाँ पर कोई जो एक बालू का काम करने वाले मुंशी के पास में 2 लोग गए थे और उन्होंने पैसे वैसे की बात करी और पैसे ना देने पर जो है उन्होंने कुछ फायर किया और वहाँ पर रखे हुए उसके जो बिक्री के पैसे थे वो ले लिए। हालांकि इसमें नामजद हैं जो वहाँ के प्रवादी है, जो उसने पहचाना है कि वो कौन लोग थे, उसके आसपास के ही गाँव के लोग थे, तो इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही, मुकदमा पंजीकृत करके जल्दी उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।